नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आ चुके हैं आज एक ऑल न्यू लेटेस्ट रिव्यू लेके आप सभी की, ऑल न्यू 125 सीसी की, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक, आप सभी की हीरो की सुपर स्प्लेंडर। प्लस देख सकते हैं ये हमारे पास एकदम लेटेस्ट वेरियंट अवेलेबल है हीरो की सुपर स्प्लेंडर की। तो आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सुपर स्प्लेंडर की, ऑल न्यू सुपर स्प्लेंडर BS6 2022 मॉडल। देख सकते हैं आप सभी की 125 सी सेगमेंट की एक बहुत ही शानदार बाइक मिल जाती है हीरो कंपनी तरफ से। हीरो ने आपको छोटे मोटे अपडेट भी प्रोवाइड किए, जैसे कि साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको देखने को मिल चुका है, थोड़ा बहुत कंपनी ने आपको यहाँ पे डिजिटल पार्ट भी मीटर कौन ने प्रोवाइड कर दिया। तो कैसा कुछ ओवरऑल रिस्पॉन्स इस गाड़ी का, आज आपको हम इस वीडियो में इस रेड पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल एक गाड़ी का लुक ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर कंपनी ने ओवरऑल लुक आपको प्रोवाइड किया है। फ्रंट से अगर देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो ओवरऑल क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, गार्निशिंग देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लुक को और इन्हेंस करती है। ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी का लुक देखेंगे तो बेहतर बिल्कुल ओवरऑल गाड़ी की लुक निकल के आ रही है। तो कहीं से भी आपको लुक वाइज तो बिल्कुल इस गाड़ी शिकायत महसूस नहीं होनी चाहिए, एक शानदार ओवरऑल गाड़ी आपको लुक निकाल के दे रही है। उसके अलावा इस गाड़ी पे जो मेन चीज़ बात कर रहे थे, गाड़ी का मीटर कंसोल, कंपनी देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑल न्यू मीटर कंसोल ये प्रोवाइड कर दिया। तो क्या कुछ फीचर्स फंक्शन ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं आपको। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल इसके फीचर्स फंक्शन के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप ए देखने को मिल जाता है, एवरेज आपको बताता है, जैसे कि आपको होंडा एसपी और दूसरी बाइक बताती है कितना गाड़ी एवरेज दे रही है, तो ये चलेगी तो हमारी एवरेज बता देगी। उसके अलावा देख सकते हैं ओडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ट्रिप देखने को मिल जाता है, ये कुछ ओवरऑल इसका मीटर कंसोल रहता है, यहाँ पे आपको एवरेज बताता है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मीटर कंसोल ओवरऑल देखने को मिल जाता है कंपनी तरफ से। बाकी आपको यहाँ पे टाइमिंग शो करती है और यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाता है। उसके अलावा इधर बात कर लेंगे तो इधर आप ओवरऑल मीटर कंसोल इस गाड़ी का देख सकते हैं। इधर की साइड में अगर बात करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे साइड स्टैंड का रिमाइंडर देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स का रिमाइंडर देखने को मिल जाता है और आपको वहाँ पे हाई बीम का देखने को मिल जाता है, ये कुछ रहता है जो आपको यहाँ पे रिमाइंड कराता है। बाकी आपको यह देख सकते हैं 140 तक स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल इस गाड़ी का मीटर कंसोल ले सकता है आप सभी की ऑल न्यू सुपर स्प्लेंडर का। बाकी अगर बात करें गाड़ी का माइलेज कितना निकल के आ रहा है, बहुत लोग इस गाड़ी की माइलेज जाना चाह रहे होंगे, तो ये गाड़ी आपको लगभग 55 के आसपास का इजीली माइलेज निकाल के दे सकती है। 55 तक का हमें इस गाड़ी से माइलेज देखने को मिल रहा है, जो कि कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात रहने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है एक शानदार बाइक लेने का 125 सेगमेंट में, तो बिल्कुल इस गाड़ी से मूव कर सकता है। गियर फंसने की प्रॉब्लम जो कि बहुत लोग जाना चाह रहे हैं, तो अभी तक जो फील हुआ ये बहुत ही बेहतर है इसका, गाड़ी का गियर फंसने की अभी कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। ओवरऑल जो इसका गियर का मूवमेंट है वो बहुत ही शानदार ओवरऑल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो गियर फंसने जैसी शिकायत अभी तक हमें इस गाड़ी से कुछ भी महसूस नहीं हो रही है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो गियर पोजीशन है, जो गियर ओवरऑल लग रहा है, वो बहुत ही बेहतर निकल के आ रहा है। उसके अलावा कंपनी ने कहीं ना कहीं इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है उसको भी इम्प्रूव किया, ब्रेकिंग भी इस गाड़ी की ओवरऑल बहुत ही शानदार लग रही है। खासकर मैं बैक ब्रेक की बात कर रहा हूँ, बैक में जो आपको ब्रेक देखने को मिल जा रहा है देख सकते हैं, तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग है कहीं ना कहीं कंपनी ने पहले से और बेटर किया। आपको यहाँ भी आपको ब्रेकिंग देखने को मिलती है एंटी ब्रेकिंग टाइम, जहाँ की अगर अपने बैक का ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों ही टायर लॉक होता है। तो ब्रेकिंग कहीं ना कहीं इस गाड़ी की पहले से ज़्यादा और बेटर हो गई है, तो ब्रेकिंग वाइज भी गाड़ी अच्छा रिस्पांस बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा ओवरऑल इस गाड़ी को देख सकते हैं, कंफर्टेबल लाइट वाइज भी गाड़ी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बैक में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो कंफर्टेबल राइडिंग वाइज भी कोई आपको दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी, एक शानदार कंफर्टेबल लाइट ओवरऑल आप इस गाड़ी से जरूर निकाल सकते हैं। तो कंफर्टेबल लाइट वाइज गाड़ी बहुत ही बेहतर है, सेल्फ और किक आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं किक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कंपनी आपको यहाँ पे सेल्फ का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ITS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल आप ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर इस गाड़ी का ओवरऑल रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है 125 सीसी का एक शानदार बाइक लेने का, तो जरूर आप लोग इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, जाके अपने नियर बाई शोरूम में इस गाड़ी के टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा। एक शानदार ओवरऑल पैकेज मिल जाती है आप सभी को हीरो कंपनी तरफ से और बिल्कुल एक बेहतर रिस्पॉन्स वाइज बाइक है।